के माध्यम से जो उन्होंने एक पहचान स्थापित की है, आने वाला समय किसी स्वच्छ हृदय के गिन्नर का आशीर्वाद किसी संस्था को मिल जाए तो संस्था को अभिनंदन करना नहीं लगता है। आशीर्वाद दे दिया तो घर में मांगलिक कार्य होना सुनिश्चित हो जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्ते। विश्व धरोहर चैरिटी संस्था ने आज हमारे इतने बहुत भव्य तरीके से मेरा स्वागत समारोह रखा, इसके लिए मैं जितने भी विश्व धरोहर के जितने भी सदस्य हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, ताकि उन्होंने इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, और मेरे नवीन शुक्ला जी और उनके पूरा परिवार और मेरे अखिलेश बेटा, इन्होंने इतने अच्छे से कार्यक्रम रखा। इसका मेन उद्देश्य यही है कि मैं किन्नर कल्याण बोर्ड की सदस्य बनी हूँ, इसके उपलक्ष्य में मेरे बेटा अखिलेश तिवारी ने इस कार्यक्रम के आयोजन किया, तो इसके लिए मैं सभी को मैं दिल से धन्यवाद। 2022 में योगी की सरकार आप लोगों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी? जी बिल्कुल, योगी जी के सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो किन्नर कल्याण बोर्ड गठित किया उत्तर प्रदेश में, और सबसे बड़ी पावर दिया है, और अन्य प्रदेश में से भी ज़्यादा हमारे प्रदेश ने पावर दिया है किन्नर कल्याण बोर्ड के लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि 2022 में फिर से बीजेपी सरकार आवे और फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जय श्री। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो किन्नर अखाड़ा किन्नर बोर्ड का गठन किया है, ये बहुत सराहनीय काम है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। जो असहाय और गरीब किन्नर इधर उधर भटकते थे, उनके लिए कल्याण का कार्य होगा, और निश्चित ही इसमें कल्याण होगा। योगी सरकार को हम बधाई देते हैं, और कौशल्यानंद गिरी जी को जो सदस्य का बोर्ड बनाया है, इसके लिए इनको भी चूँकि सामाजिक कार्य करती रही तो अच्छे से समझ सकती हैं और ये कार्य भी कर सकती हैं, इनको भी हम बधाई देते हैं। संडिल्य जितेंद्र त्रिपाठी गुरु।